हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर मेजर कमेटीज़ एंड कमीशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस तो अभी तक हम एआरसी तक कवर कर चुके हैं आज हम डिस्कस करेंगे एआरसी यानी 1966 के बाद कौन कौन सी कमेटीज़ और कमीशन को स्टैब्लिश किया गया है सो so, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो so, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड आप अपने डाउट जो हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं आफ्टर ए आर सी जो इम्पोर्टेंट कमेटी को आ, गठित किया गया वो थी कोठारी कमेटी 1976 में और इस कमेटी का मेन मकसद ये कमेटी आप पढ़ते हो जब आप यू पी एस सी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप स्टडी करते हो क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया था रिगार्डिंग ऑल इंडिया सर्विस या जो आपका सेंट्रल सर्विसेज है उनके बारे में कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट सलेक्शन मैथड बाई यू पी एस सी टू एग्जाम एंड रिपोर्ट ऑन द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल ग्रुप ए एंड बी सर्विसेज यूपीएससी ने इस कमेटी को आ, मतलब सॉरी इस कमेटी ने यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट दी थी एंड उन्होंने ये कहा था कि जो ऑल इंडिया सर्विस है और सेंट्रल ग्रुप ए जो नॉन टेक्निकल सर्विस है उनको मर्ज कर दिया एक तरीके से उनके लिए सिंगल एग्जामिनेशन होनी चाहिए ये कोठारी कमेटी ने कहा था इसके अलावा 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन ये हम डिस्कस करेंगे जब हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे पुलिस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे बट uh, ये ध्यान रखिएगा कि ये कमीशन जो है वो धर्मवीर उनके चेयरमैनशिप के अंडर इसको, इसको इस्टेब्लिश किया गया था अराउंड फिफ्टीन सॉरी अराउंड फाइव हंड्रेड रिकमेंडेशन जो है वो इनके रिलेटेड है टू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म कमीशन 1981 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल के झा एंड इसका मेन मकसद था कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको स्टडी करें उनके रिगार्डिंग रिफॉर्म सजेस्ट करें इन्होंने ये कहा कि जो आपका इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है और उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि आप एक बेहतरीन इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टब्लिश कर सकें और आपको ध्यान होगा कि नाइनटीन आफ्टर टेन ईयर क्या हुआ एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंडिया ने बनाई थी रीजन अलग रहे बट कहीं ना कहीं इस कमेटी ने पहले ही ये कह दिया था कि ज़रूरत है एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की तो ज़रूरत है आपको थोड़ा सा जो आपका इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको रैशनलाइज और मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1983 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार या कमीशन ठीक है इसका हम अलग से जब हम रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि इनकी मेजर रिकमेंडेशन क्या रही सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे ठीक है इतना ध्यान रखिए कि इनका जो मेन मकसद था वो था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इसके अलावा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2002 सॉरी 2002 थाउजेंड टू टू के दौरान ये नेशनल कमीशन इस्टब्लिश होता है और 2005 के अंदर आर एक्ट आता है 2010 के अंदर सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन पहला तो सरकारियाँ कमीशन था दूसरा जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे कमीशन बना वो कौन सा था पंची कमीशन 2010 के अंदर तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पंछी कमीशन इसकी भी रिकमेंडेशन हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पर मैंने फर्स्ट ईआरसी सेकेंड ईआर सी दोनों की जो है अलग अलग बता रखी हैं कि इनकी थीम्स क्या क्या रही ऑब्वियसली हम सेकेंड ए को हमारे ए वाले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में करने वाले हैं आर पे हम पहला लेक्चर डिजाइन कर बना चुके हैं बट बाकी जो रिपोर्ट है जब ये सेकेंड uh, पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एआरसी रिपोर्ट को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आप पोज करके देख लीजिएगा कि फर्स्ट ई और सेकंड ई के जो थीम्स हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस रहा ठीक है फर्स्ट ईयर से अराउंड ट्वेंटी रिपोर्ट्स देता है सेकंड ईयर से अराउंड फिफ्टीन रिपोर्ट देता है तो हमारे लिए सेकंड ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम उसको डिटेल में कवर करेंगे आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रिगार्डिंग मेजर कंसर्न क्या है तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें कोई भी आपको लगे कि कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच